हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 18 है, जो राजस्थान के राजवंश व मुगल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? इसका राइट आंसर है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1526 में दिल्ली पर किस मुगल शासक ने नींव रखी? 1526 ईस्वी में दिल्ली पर किस मुगल शासक ने नींव रखी? इसका राइट आंसर है, बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल शासक की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1527 में मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध होता है? 1527 में मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध होता है? इसका राइट आंसर है, खानवा का निर्णायक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का बेटा कौन था? ये तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, तो आपको इसका आंसर तो पता ही होगा। तो बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं किससे पराजित हुआ? हुमायूं किससे पराजित हुआ था? इसका राइट आंसर है, शेरशाह सूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध किस किसके बीच हुआ था? 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध किस किसके बीच में हुआ था? तो वह युद्ध हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी रहा था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमचंद, जो हेमू के नाम से भी जाने गए, दिल्ली की गद्दी पर किस नाम से बैठे थे? इसका राइट आंसर है, विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्म किस तिथि को हुआ? महाराणा प्रताप की जन्म जो था वो किस तिथि को हुआ? तो यहाँ आपसे तिथि पूछी है। इसका राइट आंसर है, महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल की तृतीया को हुआ था और डेट क्या थी? 9 मई 1540। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्यारोहण कब हुआ? महाराणा प्रताप का गोगुंदा में राज्यारोहण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को, जब महाराणा प्रताप 32 वर्ष की आयु के थे, तब उनका गोगुंदा में राज्यारोहण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कितनी बार हुआ था? इसका राइट आंसर है, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक 2 बार हुआ था, एक तो गोगुंदा में हुआ था, उसके बाद दूसरा कुंभलगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दीघाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। आरबीएससी की बुक में 21 जून 1576 दिया हुआ है, जबकि एनसीईआरटी में 18 जून दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने प्रताप के पास जो शिष्टमंडल भेजे थे उनके नाम बताइए। अकबर के पास जो शिष्टमंडल भेजे थे अकबर ने प्रताप के पास जो शिष्टमंडल भेजे थे उनके नाम क्या थे? तो उनके नाम थे जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास व टोडरमल।
जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास व टोडरमल। इसे एक छोटी सी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जमा भटो। जा से जलाल खां, मा से मान सिंह, भा से भगवान दास व ट से टोडरमल। तो आप इसको नोट कर लें, जमा भटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में हरावल दस्ते में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे? हल्दी घाटी के युद्ध में दो दस्ते थे, एक हरावल दस्ता था, एक चंदावल दस्ता था। तो हरावल दस्ते में कौन कौन व्यक्ति थे? इसका आंसर है हकीम खां सूरी, किशन दास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, रामशाह तवर, झालामान, झालाबीदा व मान सिंह। कौन कौन से थे हरावल दस्ते में? हकीम खां सूरी, किशन दास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, रामशाह तवर, झालामान, झालाबीदा और मान सिंह। तो ये महाराणा प्रताप की साइड में हरावल दस्ते में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में चंदावल दस्ते में कौन कौन व्यक्ति थे? इसका राइट आंसर है पुरोहित गोपीनाथ, जयमल, चारण और भामाशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरावल दस्ते में चुंडावतों के साथ अग्रिम पंक्ति में कौन सा सैनिक था? हरावल दस्ते में चुंडावतों के साथ सबसे ज्यादा अग्रिम पंक्ति में कौन सा सैनिक था? इसका राइट आंसर है हकीम खां सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना का हरावल दस्ता होता है? इसका राइट आंसर है सेना में जो अग्रिम पंक्ति होती है वह हरावल दस्ता कहलाती है, और जो पीछे वाली पंक्ति होती है उसे चंदावल दस्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का उत्तरदायित्व किसने संभाला? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का उत्तरदायित्व किसने संभाला था? इसका राइट आंसर है झाला मान ने। किसने संभाला था? झाला मान ने, जो हरावल दस्ते में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिंह के हाथी का क्या नाम था? मानसिंह के हाथी का क्या नाम था? इसका राइट आंसर है मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था, जबकि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था रामप्रसाद, और अकबर के हाथी का नाम हवाई था, और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। ठीक है, क्या था? मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम रामप्रसाद, और अकबर के हाथी का नाम हवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में प्रताप के सैनिकों ने गोगुंदा की नाकेबंदी कर दी थी? किसके नेतृत्व में प्रताप के सैनिकों ने गोगुंदा की नाकेबंदी कर दी थी? इसका राइट आंसर है पुंजा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? पुंजा के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध में पराजय के बाद अकबर ने मान सिंह के साथ और किस मुगल को दरबार में उपस्थिति पर रोक लगाई थी? हल्दी घाटी युद्ध में पराजय के बाद अकबर ने मान सिंह के साथ किसकी मुगल दरबार में उपस्थिति पर रोक लगाई थी? इसका राइट आंसर है आसफ खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने शहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध कितनी बार भेजा था? अकबर ने शहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध कितनी बार भेजा था? तो इसका राइट आंसर है हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने 3 बार भेजा था शहबाज खां को, 1577 में, 1578 में, 1579 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप ने आक्रामक नीति का प्रयोग पहली बार कहाँ किया?
प्रताप ने आक्रामक नीति का प्रयोग सबसे पहली बार कहां किया? इसका राइट आंसर है 1582 ईस्वी में दिवेर के युद्ध में। और ये दिवेर का युद्ध जो था किस किस के बीच में लड़ा गया था? सुल्तान खां जो कि अकबर की तरफ से था, और महाराणा प्रताप, इनके साथ इनके बेटे अमर सिंह भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवेर के युद्ध किस किस के बीच हुआ था? दिवेर का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सुल्तान खां व महाराणा प्रताप के बीच में 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रताप ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया? महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया था? तो इसका राइट आंसर है चावंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो महाराणा प्रताप का जन्म जो था वो 9 मई 1540 में हुआ था, और महाराणा प्रताप की मृत्यु जो थी वो 19 जनवरी 1597 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ बनाई गई है? महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ बनाई गई है? इसका राइट आंसर है, महाराणा प्रताप की मृत्यु तो चावंड में हुई थी, किंतु इनकी समाधि जो है वो कहाँ है? बांडोली गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना किस नाम से करवाई? प्रताप ने वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना किस नाम से करवाई? इसका राइट आंसर है विश्व बल्लभ के नाम से। तो विश्व बल्लभ का अर्थ होता है जो संसार में प्रिय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावंड चित्रशैली को जन्म किसने दिया? चावंड चित्रशैली को जन्म किसने दिया? इसका राइट आंसर है, चावंड चित्रशैली को जन्म महाराणा प्रताप ने दिया था, और इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शासक को शाहजहां ने उच्च मनसब, राव की पदवी और नागौर का परगना दिया था? इसका राइट आंसर है अमर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत शासक ने पिता के समय मुगल बादशाह की सेवा में आया और धोखे से मुगलों ने ही उसकी हत्या कर दी थी? इसका राइट आंसर है अमर सिंह राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गादास का जन्म कब और कहां हुआ था? दुर्गादास का जन्म कब और कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर है मारवाड़ के सालवा गांव में 13 अगस्त 1638 ईस्वी में दुर्गादास का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री कौन था? महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर है आसकरण, जो कि दुर्गादास के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 33, किस शासक के प्रयासों से मारवाड़ व मेवाड़ के बीच राठौर सिसोदिया गठबंधन हुआ? किस शासक के प्रयासों से मारवाड़ व मेवाड़ के बीच राठौर और सिसोदिया गठबंधन हुआ? तो इसका राइट आंसर है दुर्गादास के प्रयासों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, दुर्गादास किस शासक को औरंगजेब के चंगुल से बचाकर मारवाड़ ले आए थे? दुर्गादास किस शासक को औरंगजेब के चंगुल से बचाकर मारवाड़ लेकर आए थे? इसका राइट आंसर है अजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राठौड़ व मुगल संघर्ष बढ़ता देखकर दुर्गादास ने अजीत सिंह को आश्रय देने की प्रार्थना किससे की थी? राठौड़ व मुगल संघर्ष बढ़ता देखकर दुर्गादास ने नाबालिग अजीत सिंह को आश्रय देने की बात या प्रार्थना किससे की थी? इसका राइट आंसर है मेवाड़ के राज सिंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने औरंगजेब की विध्वंस नीति का विरोध करते हुए द्वारिकाधीश और श्रीनाथ जी की प्रतिमा को मेवाड़ में स्थापित किया था? किस शासक ने औरंगजेब की विध्वंस नीति का विरोध या प्रतिरोध करते हुए द्वारिकाधीश और श्रीनाथ जी की प्रतिमा को मेवाड़ में स्थापित किया था? आंसर इज मेवाड़ के राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गादास जब मराठों की सहायता लेने दक्षिण में गए थे तो कौन सा मुगल शासक उनके साथ गया था? तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब का पुत्र शहजादा अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत सिंह कहां के शासक बने थे? आंसर है मारवाड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गादास जीवन के अंतिम वर्ष में कहां रहे थे? इसका राइट आंसर है दुर्गादास जीवन के अंतिम वर्ष में शिप्रा नदी जो उज्जैन में है और मध्य प्रदेश में, वहां उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था और उनकी छतरी भी उज्जैन में बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में बताइए और आप इन्हें बार बार देखिए सुनिए, जिससे कि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, पर कुछ जरूर कीजिए। थैंक यू।